पंजाब में डेंगू केसों में तश्वीशनाक हद तक इजाफा हुआ। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबा भर से डेंगू के 73 मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में सबसे ज्यादा डेंगू के 60 मरीज रिपोर्ट हुए। रवा साल पंजाब भर से अब तक डेंगू के 992 कंफर्म केसेस सामने आए हैं। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अजमत आवान हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत बताइएगा क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सुबह भर से डेंगू के 73 मरीज रिपोर्ट हुए और लाहौर में सबसे ज़्यादा जो डेंगू के मरीज हैं वो 7 मरीज रिपोर्ट हुए और गुज़िश्ता रोज़ रावलपिंडी से 11 जबकि मुल्तान और नारोवाल से डेंगू का 1 मरीज रिपोर्ट हुआ और रवा साल पंजाब भर से अब तक डेंगू के 952 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए हैं और यहाँ से आप डेंगू की जो नवीयत है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुज़िश्ता 7 माह से पहले तो डेंगू के तकरीबन 450 से केसेज थे और एक हफ्ते के दौरान जब 422 केसेज का इजाफा हुआ, यानी 7 माह के जो डेंगू केसेज एक तरफ और इसे एक हफ्ते में केसेज एक तरफ है। और इसी तरह सुबह भर के जो अस्पतालों में डेंगू के 66 मरीज जेरे इलाज हैं, अगर उनमें तफसीलन बात की जाए तो लाहौर के अस्पतालों में सबसे ज्यादा मरीजों की तादाद है जो कि 48 मरीज जेरे इलाज हैं। लाहौर के गंगाराम में 12, मेयो अस्पताल में 5, जबकि फातिमा मेमोरियल जिना डॉक्टर अस्पताल में डेंगू के 3 मरीज जेरे इलाज हैं। इसी तरह लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल, एवर केयर अस्पताल, जनरल अस्पताल, गुलाब देवी अस्पताल, यानी दिन ब दिन केसेज में इजाफा हो रहा है। अजमत आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका।